स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक कलर टीवी को रिपेयर करने वाले हैं और इसको हम बिना खोले ही इस कलर टीवी को रिपेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस टीवी में क्या ख़राबी है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों इस कलर टीवी में, पिक्चर में आप देख सकते हैं दोस्तों इसका हाइट पूरी तरह से नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं इसका स्क्रीन छोटा दिखाई दे रहा है। तो इस फॉल्ट को हम रिपेयर करेंगे और वो भी टीवी को बिना खोले ही हम इसको रिपेयर करेंगे। इस फॉल्ट को रिपेयर करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं ये फॉल्ट किन कारणों से हो सकता है। तो सबसे पहला कारण जो है दोस्तों ये इसका जो वर्टिकल हाइट है, इसको हम रिमोट से इसको सेट कर सकते हैं इसके सर्विस कोर्ट के ज़रिए। इसका जो सर्विस मेनू है उसमें हम जाकर इसका हाइट वहां से इसको बढ़ा के देखेंगे। अगर वहां से अगर हाइट बढ़ता है तो हमारा टीवी ठीक हो जाएगा, अगर नहीं बढ़ता है तो इसको टीवी को हमको खोलना पड़ेगा। और टीवी खोलने के बाद दोस्तों इसका वर्टिकल सेक्शन से जुड़े हुए आईसी और कंपोनेंट्स को टेस्ट करेंगे और पावर सप्लाई से जो वर्टिकल सेक्शन में या ESD सेक्शन से अगर वोल्टेज आ रहा है तो उसको चेक करेंगे कहीं कोई सप्लाई ड्रॉप तो नहीं हो रहा है या कोई सप्लाई कम तो नहीं बन रहा है। तो इतना प्रॉब्लम इसमें हो सकता है या फिर इसका जो मेमोरी आईसी है, मेमोरी आईसी में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका सर्विस कोड डाल के इसका सर्विस मेनू ओपन करेंगे और वहाँ से हम इसको हाइट बढ़ा के देखेंगे। दोस्तों टीवी के सर्विस कोड डाल के इसका जो सर्विस मेनू ओपन होता है दोस्तों उसे हम बहुत सारी सेटिंग्स और छोटे मोटे फॉल्ट्स को हम क्लियर कर सकते हैं घर पर ही टीवी को बिना खोले ही। लेकिन उसके लिए आपको सावधानी ये बरतना है दोस्तों, अगर आपको टीवी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो इसको आप सर्विस मोड बिल्कुल भी मत खोलिए, क्योंकि सर्विस मोड खोलने के बाद दोस्तों बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, सेटिंग्स होते हैं जिनको अगर आप गलती से छेड़ दो तो टीवी ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको टीवी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो किसी प्रोफेशनल टेक्नीशियन से इसको ठीक करा लें। फिर भी आप अपने से इसको ठीक करना चाहते हैं तो जो भी पैरामीटर्स, जो भी यहाँ पे सेटिंग्स है उनके जो नंबर्स हैं उनको एक कॉपी में नोट कर लें, ताकि आप गलती से अगर उनको चेंज कर दें तो आप कॉपी से देख के दोबारा से उसी पैरामीटर्स में सेट कर सकें। तो दोस्तों किसी भी टीवी का सर्विस मेनू ओपन करने के लिए उस टीवी का सर्विस कोड मालूम होना चाहिए और उस टीवी का रिमोट कंट्रोल आपके पास होना चाहिए और इसका जो फ्रंट मेनू पैनल जो स्विच है वो भी सही काम करना चाहिए, तब जाके इसका सर्विस मोड खुलेगा। तो ये जो टीवी है दोस्तों इस पे तो सेंसुई लिखा हुआ है इस टीवी पे, लेकिन ये सेंसुई का नहीं है, ये लोकल चाइना किट है। तो हम इसको खोलेंगे और इसका जो रिमोट है 57LO इसका रिमोट है। तो इसको खोलने के लिए दोस्तों हमें रिमोट से डिस्प्ले जो स्विच है इसको हमें दबाना है और इसका जो वॉल्यूम कंट्रोल माइनस स्विच है इसको एक साथ दबा के खोलना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसका टीवी का वॉल्यूम कंट्रोल को ज़ीरो पर रख देना है, ज़ीरो पे सेट कर देंगे। उसके बाद हमें रिमोट कंट्रोल और ये मेनू स्विच से जो वॉल्यूम माइनस है उसको दोनों को एक साथ दबाना है, डिस्प्ले और वॉल्यूम माइनस दोनों को एक साथ दबाएंगे तो हमारा सर्विस मोड खुलेगा। एक और तरीका होता है दोस्तों, किसी भी रिमोट में अगर वो मास्टर रिमोट है तो उसमें दोस्तों एक हिडन की दिया होता है या फिर एक ऐसा स्विच दिया होता है जिसको हम किसी भी अलाइनर या छोटे पेचकस से उसको वहाँ पर दबा के सर्विस मेनू में एंटर हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इस रिमोट से हम डिस्प्ले और वॉल्यूम माइनस को एक साथ हमने दबा दिया है और ये इसका सर्विस मोड खुल गया है, सर्विस मेनू खुल गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसका जो मेनू F1 है इसमें आप देख सकते हैं वर्टिकल साइज यहाँ पे लिखा है, ये ज़ीरो पे हो गया है। तो इसको हमें बढ़ाना है, वॉल्यूम प्लस वाला जो ये बटन है रिमोट कंट्रोल से इससे बढ़ेगा और वॉल्यूम माइनस से कम होगा। और ये चैनल डाउन से इसका जो मेनू पे हम नीचे आ सकते हैं और चैनल अप वाला जो स्विच है रिमोट कंट्रोल पे इससे हम इसके मेनू के ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको हाइट को सेट कर देना है इस तरह से,
अगर ये यहाँ से अगर सेट नहीं होता तो हम इसको इसका टीवी खोल के इसको ठीक करना पड़ता। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से हमें एक कोई भी न्यूज़ चैनल या कोई भी चैनल पे ला के हमें इसका हाइट सेट कर लेना है, ताकि ये नीचे से भी ज़्यादा ऊपर ना चढ़ जाए और ये छोटा भी स्क्रीन इसका ना रह पाए। तो इस तरह से दोस्तों कलर टीवी के बहुत सारे फॉल्ट्स या बहुत सारे सेटिंग्स को आप सर्विस मोड में एंटर होके ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों इनमें जो भी पैरामीटर्स लिखे हुए हैं इसको आप किसी कॉपी पे नोट करके रख लें, ताकि अगर आप गलती से इसको दबा दें, गलती से अगर आप चेंज कर दें तो आपकी सेटिंग्स ख़राब ना हो जाए, टीवी आपका ख़राब ना हो जाए। और इस सर्विस मेनू से एग्ज़िट होने के लिए दोस्तों हमें डिस्प्ले को एक बार फिर से दबा देना है, डिस्प्ले स्विच को, और उसके बाद हम सर्विस मेनू से हम एग्ज़िट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सभी कलर टीवी में दोस्तों सर्विस कोड अलग अलग होता है, सभी टीवी में सभी मॉडल्स में अलग अलग सर्विस कोड के ज़रिए सर्विस मेनू खुला जाता है। दोस्तों सर्विस मेनू में बहुत सारे सेटिंग्स और ऑप्शंस होते हैं दोस्तों, जिनको आप सेट कर सकते हैं। अगर इनकी पूरी डिटेल्स आपको चाहिए तो दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं इसके ऊपर सर्विस मोड के ऊपर अलग से एक वीडियो डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो ये जो इसका हाइट का प्रॉब्लम था दोस्तों, हाइट कम था, इसको हमने सेट कर दिया है दोस्तों टीवी को बिना खोले ही। तो दोस्तों टीवी के कुछ ऐसे फॉल्ट्स को आप भी सर्विस मोड के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए।